चेतावनी, वीडियो में रेप, यौन उत्पीड़न का जिक्र है। दर्शक अपने विवेक का इस्तेमाल करें। क्विंट हिंदी पीड़िताओं की निजता का सम्मान करता है, इसलिए वीडियो दिखाने से परहेज कर रहा है। मणिपुर में पहली बार जाति हिंसा भड़कने के एक दिन बाद 4 मई को मैतेई पुरुषों की भीड़ ने परेशान और मदद की गुहार लगा रही दो कुकीज़ो समुदाय की महिलाओं को नग्न कर उनकी परेड कराई। इस भयानक घटना के करीब 77 दिन बाद ये वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि भीड़ में शामिल पुरुष सार्वजनिक रूप से उनके निजी अंगों को छू रहे हैं और उन्हें धान के खेत की ओर खींच कर ले जा रहे हैं। आरोप है कि उन पीड़ित महिलाओं में से एक के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। चार मई को विभिन्न मैतेई संगठनों के 800 से 1000 लोग कुकी प्रभुत्व वाले बी फिनोम गांव पहुंचे। वे हथियार और गोला बारूद के साथ गांव में घुस गए और कथित तौर पर घरों में तोड़फोड़ की। एक ग्रामीण ने इस जघन्य अपराध को याद करते हुए कहा कि मैतेई लोग पहली बार 3 मई को घर जलाने आए थे, लेकिन हम उनका विरोध करने में सफल रहे। अगले दिन जब वे आए तो हमने अपना सामान बाहर निकाल लिया और एक अलग जगह छिप गए, लेकिन मैतेई लोगों ने मेरे परिवार को पकड़ लिया। इसके बाद मची अफरा तफरी में जंगल की ओर भागे दो पुरुषों और 3 महिलाओं को पुलिस टीम ने बचा लिया। हालांकि स्टेशन लौटते समय भीड़ ने उन्हें रोक लिया। सैकुल पुलिस स्टेशन में घटना के 50 दिन बाद 21 जून को दर्ज की गई शिकायत के अनुसार बी फिनोम गांव की 3 महिलाओं को शारीरिक रूप से अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया और भीड़ के सामने उन्हें नग्न कर दिया गया। बचे लोगों में से एक 21 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उसके पिता और भाई की भीड़ ने हत्या कर दी। अपनी आप बीती सुनाते हुए एक जीवित बचे व्यक्ति ने कहा कि भीड़ द्वारा उसे धान के खेत में खींचने के बाद उसे लेटने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा, मैंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने मुझसे कहा था और 3 लोगों ने मुझे घेर लिया। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, चलो उसका बलात्कार करते हैं, लेकिन अंततः उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक अन्य जीवित बचे व्यक्ति ने बताया कि वे लोग चूरा चांदपुर मामले का बदला लेना चाहते थे, जो इस हमले के झूठे दावे से संभावित संबंध का संकेत देता है कि चूरा चांदपुर में काम करने वाली एक मैतेई नर्स के साथ 3 मई को एक आदिवासी भीड़ द्वारा दुष्कर्म किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 354, 376 और 326 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।